है दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने लगा हूँ रियल मी 3 के बारे में। जस्ट तो आप सभी को पता है कि आजकल पूरे टेक वर्ल्ड में, टेक कम्युनिटी में पूरा होड़ मचा हुआ कि अब रियल मी 3 आने वाला है। क्यों दोस्तों, जो भी रियल मी के सीरीज चल रहे थे वो फ़ोन आते हैं, रियल मी 1, रियल मी 2, रियल मी 2 प्रो, रियल मी C1, रियल मी U1, इस तरह से फ़ोन आ रहे दोस्तों। अब जो फ़ोन आ रहा है रियल मी 3 के बारे है, यहाँ पर बहुत से लोग बता रहे हैं कि रियल मी 3 आएगा और इसके बाद है रियल मी 3 प्रो आएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, इस कारण से मैं आपको बताने वाला हूँ इसके फीचर्स के बारे में। और आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर रियलमी इतना इंडियन मार्केट में कमाल करा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि रेडमी ने स्टार्टिंग में रेडमी नोट 2, रेडमी नोट 4 ऐसे निकला था फोन, उस समय जो बवाल मचाया था, उसी कारण से अब यहाँ पर रियलमी रियल 2 प्रो को लाकर बवाल मचा रहा है और इंडियन मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तक रेडमी को टक्कर नहीं दे पाया रियलमी, लेकिन दोस्तों आगे चल के हो सकता है कि रियलमी 3, रियलमी 3 प्रो ये फोन को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखेगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन रहेगा उसे दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो निकल कर न्यूज सामने आ रहा है रियल मी 3 के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल सकता है या आपको कब तक इसका जो लॉन्च डेट है आपको देखने को मिल सकता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा से डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको कैमरा क्वालिटी, कितना डिस्प्ले हो सकता है, कितना आपको इसमें बैटरी मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप कहीं भी इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या क्या इस फोन में देखने को मिल सकता है, ये आपके लिए फ़ोन बना या नहीं बना है। तो चलिए जानते हैं। अगर सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। जी दोस्तों, इतना प्राइस में इतना आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है इस फोन में। दोस्तों अगर हम रैम की बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो रैम मिलने वाला है 4GB, 6GB और 8GB रैम मिलने वाला है और सबके अलग अलग स्टोरेज हो सकते हैं। अगर हम इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिससे आप अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। वहीं हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एक्सपैंड करके जो SD कार्ड लगाया जाता है, वहीं आपको SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है जहां पर आप 256GB तक SD कार्ड लगाकर इसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको 4000mAh का बैटरी मिल जाता है, जिससे आप पूरे दिन का बैटरी बैकअप यानी रनिंग टाइम हो सकता है आपके फोन का। अगर हम कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको फ्रंट और रियर में दोनों में कमाल का जो कैमरा मिलने वाला है। अगर हम रियर की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको रियर में दो ड्यूल कैमरा मिलने वाला है, ड्यूल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें आपको पहला कैमरा प्राइमरी कैमरा होगा वो 16MP का, वहीं सेकेंडरी कैमरा आपको 5MP का देखने मिल सकता है। वहीं हम फ्रंट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको 25MP का फ्रंट कैमरा देखने मिल सकता है। साथ ही साथ आपको जो चार्जिंग मेरा वुक चार्जर, जो ओप्पो का वुक चार्जर है, वो आपको देखने मिल सकता है इस फोन में, कि दोस्तों बहुत ही स्टाइलिश फोन होने वाला। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो मिलना है दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल मिलने वाला है। यहाँ पर हीलियो P90 मिलने वाला है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा पावरफुल आपको यहाँ प्रोसेसर देखने मिल सकता है। यहाँ पर आप PUBG भी गेम भी खेल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी गेम अच्छे से खेल सकते हैं, चाहे तो आप मल्टी टास्किंग कर सकते हैं इसमें, बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने मिल जाता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंसर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, जायरोस्कोप सेंसर मिल जाता है, जिससे आप VR लगा के, हेडसेट लगा के देख सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी जो गेम होते हैं या मूवी होते हैं देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है दोस्तों बहुत ही कम होगा, ये लगभग आपको 18,000 से लेके 15,000 के बीच में ये फ़ोन मिलने वाला है और बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट बताया जा रहा है, आपको जनवरी, फरवरी या मार्च तक आपको फ़ोन देखने मिल सकता है, लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं आया कि आपको कब तक ये फ़ोन मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा फ़ोन, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चार्ज करने में, मात्र आपको 30 मिनट में पूरा फुल चार्ज कर देगा ये फ़ोन आपको वो चार्जर की मदद से। अगर हम वीडियो शूट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 2160p जो वीडियो है वो 60fps में पूरा वीडियो शूट करेगा, वहीं 30fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 4K में वीडियो भी शूट कर सकते हैं, फ्रंट रियर दोनों कैमरा शूट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप इस फोन को लेने वाले हैं तो यस बताइए, यदि नहीं लेने वाले तो नो बताइए। और इस फोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।